गाजा में फलस्तीनियों का नरसंहार जारी है, लोग अपने ही घर छोड़ने को मजबूर हैं। इजरायली सेना यानी IDF द्वारा गाजा में रहने वाले 11 लाख लोगों को ये नोटिस दिया गया कि आपके पास केवल 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आपको नॉर्थ गाजा को छोड़कर साउथ गाजा में जाना होगा, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। लेकिन लोगों का कहना है हमारे लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं। पिछले 24 घंटे में गाजा के अंदर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में 320 लोगों की मौत हुई है। जहां लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं उस पर भी हमले हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। मौत का आंकड़ा जहां पर गाजा में लगभग अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पर इसराइल में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत है। इसराइल ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना दवाई। गाजा के लोग परेशान हैं। इसराइल ने चारों तरफ से गाजा को ब्लॉक कर लिया है। वहाँ के लोग जाए तो जाए कहाँ, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस नहीं है। UN बार बार इसराइल से गुहार लगा रहा है कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड का एक्सेस तो दिया जाए, लेकिन इसराइल का कहना है जब तक हमास हमारे बंदियों को नहीं छोड़ेगा तब तक कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड का एक्सेस गाजा के लोगों को नहीं दिया जाएगा। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं। जख्मियों की तादाद कई हज़ारों में पहुँच चुकी है। चारों तरफ चीखों पुकार है, लोग अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हैं। BBC की इस रिपोर्ट को देखिए ज़रा। الأونروا للأمم المتحدة. اليوم إسرائيل بترتكب مجازر بحق المدنيين. أولادنا هلقت تحت الركام. لا إحنا عارفين أولادنا وين، لا عارفين أهلينا وين، لا عارفين إيش نسوي، لا عارفين، لا عنا أكل، لا عنا شرب، لا عنا كهرباء. أنا اليوم بناشد الأمم المتحدة من قدام مقر الأمم المتحدة. وين نروح؟ وفجأة الصبحية رموا صاروخ هنا بين مدرسة وبين السويدي.